हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑप्शंस फॉर टुमारो में आपका फिर से एक स्वागत है। वीडियो में आज हम क्या सीखने वाले हैं, बहुत दिनों से जो लोग वेट कर रहे थे कि सर ये जो चार्ट्स मैं देखता हूं, चार्ट्स इनपे जितने भी टूल्स हैं जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना, रूलर को कैसे यूज करें, ब्रश को कैसे यूज करें, स्क्रीन को दो तीन पार्ट्स में कैसे स्प्लिट करें, आज वीडियो उसी पर है। आपको मैं डिटेल में सब कुछ सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखें। और इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं वो मैं बता देता हूं आपको। पहले बहुत जल्द हो सकता है आज शाम को ही क्रिप्टो करेंसी पे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो में कैसे हम 100 रुपए से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में कौन कौन सी करेंसी है, कौन कौन से कॉइन्स हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अकाउंट बना सकते हैं इंडिया में, कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं और कैसे अकाउंट बना सकते हैं, सब पर क्रिप्टो करेंसी पे वीडियो आने वाली है। मैं कोशिश करूंगा कि आज ही उस वीडियो को अपलोड कर दूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उस वीडियो का और आपसे वो वीडियो मिस ना हो। दूसरी चीज, कैसे स्टॉप लॉस लगाएं और कैसे टारगेट सेट करें, इस पर भी बहुत जल्द मैं कोशिश कर रहा हूं वीडियो आ जाए। मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए लेता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्दबाजी में कोई भी गलती ना हो और मैं अच्छी तरीके से एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो ये लगातार ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आती रहेंगी, इसके आपको अपडेट कैसे मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी जिसकी मदद से आप वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं और चीजों को सीख सकते हैं। बाकी मैंने अभी कल ही प्री ओपन मार्केट कैसे हम देखते हैं, निफ्टी कैसे गैप अप या गैप डाउन करती है, कितने पॉइंट से कर सकती है, मार्केट खुलने से पहले इसको कैसे जाने, इस पर मैं वीडियो कल ही अपलोड कर चुका हूं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर जाके कल उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो का आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगा YouTube चैनल पर हमारे और आप उसको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं हमेशा बोलता हूं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मैं ले चलता हूं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं आज चार्ट के सारे टूल्स को कैसे हम यूज करते हैं और कैसे नहीं यूज करते। बाकी जो चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं, हमारे पास है मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शंस ट्रेडिंग का कॉम्बो कोर्स सिर्फ और सिर्फ 2499 में। उसके बारे में आपको मैं वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहे, चीजें सीखते रहिए। बाकी प्रॉफिट्स की भरमार लगी हुई है जिन लोगों ने कोर्स स्टडी किया है, जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हो वो देख ही रहे होंगे, मैं मेरे पास प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट जो भी आते हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो लिंक काम ना करे तो आप सिंपली टेलीग्राम में ऐप में जाकर ऑप्शंस फॉर टुमारो चैनल का नाम सर्च कर सकते हैं, उसमें ऑलरेडी 16,000 मेंबर्स ऐड है, वो चैनल सबके लिए फ्री है, मैं जितने भी अपडेट्स होते हैं मार्केट के उस चैनल में अपडेट करता हूं, बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स भी अपडेट करता हूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, निफ्टी और बैंक निफ्टी के, प्री ओपन मार्केट के भी अपडेट्स देता हूं और भी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है तो मैं टेलीग्राम चैनल में जरूर शेयर करता हूं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब पहले चलता हूं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर बिना किसी देरी के और शुरू करते हैं आज सीखना कैसे हम चार्ट के टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूं स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस टाइम मैंने काइट डॉट जीरोधा, जो जीरोधा का वेब एप्लीकेशन है, ऑनलाइन आप लॉगिन कर सकते हैं जीरोधा के चार्ट के लिए, आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे जीरोधा के, यहां पे मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है और ये मेरी वॉच लिस्ट है जहां पे मैंने इंडेक्स ऐड कर रखे हैं निफ्टी बैंक और निफ्टी 50। सबसे पहले निफ्टी किसी का भी आप जिसका आप चार्ट देखना चाहते हैं, मान लीजिए मैं निफ्टी का चार्ट देखना चाहता हूं निफ्टी 50 का, तो मैं जैसे निफ्टी के ऊपर माउस लेकर आऊंगा यहां मुझे एक एरो दिख रहा है जिस पर मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये साइड में आपको निफ्टी का चार्ट दिख जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इस चार्ट को एक बड़ी स्क्रीन में लेकर चलते हैं। ये अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो जब आप इस चार्ट को बड़ी या आप सबसे ही देखिए ऊपर आपकी प्रोफाइल के जस्ट नीचे जो ये लास्ट कॉर्नर में डिब्बा आ रहा है, बॉक्स जो आ रहा है, ये पॉप आउट चार्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट जो है निफ्टी 50 का एक बड़ी स्क्रीन में खुल के आ जाएगा नई विंडो में। मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूं, बिल्कुल प्लेन चार्ट रखता हूं सबसे पहले।
ये आपका प्लेन चार्ट है, बिल्कुल सिंपल चार्ट, इस तरीके का आपका चार्ट ओपन होगा। साइड में आपको ये सारे टूल्स दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में जो टूल्स आप यूज कर सकते हैं, ऊपर साइड में बेसिक चीजें दिख रही हैं जिसमें आप टाइम फ्रेम वो सब कुछ मैं भी बताऊंगा। राइट साइड में आपको मार्केट का प्राइस दिख रहा है 18,000 जो भी है, नीचे आपको टाइम फ्रेम दिख रहा है और उसके नीचे आपको यहां पर टाइम चलता हुआ दिख रहा है, जो मार्केट का अभी करंट टाइम जो चल रहा है क्लॉक के हिसाब से वो आपको यहां पर रन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आपको टाइम पीरियड दिख रहा है जिसपे आप एक बार क्लिक करके उतने पर्टिकुलर टाइम का चार्ट देख सकते। इन सब चीजों को अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला था वो था, कुछ लोगों का चार्ट इस तरीके से नहीं खुलता, होता है कुछ लोगों के साथ कि इस तरीके का चार्ट जैसे मेरी स्क्रीन में खुल रहा है ऐसा नहीं खुलता। क्यों नहीं खुलता मैं आपको बताता हूं, चार्ट एक्चुअली में दो तरीके के हैं। ये चार्ट आप जो देख रहे हैं ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, जीरोधा जो है ट्रेडिंग व्यू जो वेबसाइट है उसका ही चार्ट इंपोर्ट करके आपको देती है। आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे अगर जाएंगे चार्ट को ओपन करने के लिए आप वहां भी देख सकते हैं, लेकिन वहां पर फ्री अकाउंट के लिए सिर्फ कुछ बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जिन लिमिटेशंस की वजह से हम पूरी फंक्शनली जो है चार्ट को यूज नहीं कर पाते, सारे टूल्स को यूज नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए उसमें दो या तीन से ज्यादा इंडिकेटर्स नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। तो जीरोधा ने क्या किया, जीरोधा ने ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट था वो अपने सारे मेंबर्स के लिए परमानेंटली फ्री कर रखा है, वो भी फुल अकाउंट, मतलब फुल जो वैलिडेटेड अकाउंट है वो आपको जीरोधा में ट्रेडिंग व्यू का पूरा प्रीमियम अकाउंट आपको यहां पर मिल जाएगा। तो ये चार्ट इस कैसे पता करें, अब चार्ट मैंने बताया दो टाइप, एक तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हो गया, दूसरा जो चार्ट है वो आईक्यू का चार्ट है। तो दो दो मान लीजिए चार्ट है देखने के तरीके, एक किसी आईक्यू का चार्ट है, एक ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। अभी ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, कैसे पता करेंगे, आप चार्ट के यूआरएल में जाएंगे, स्क्रीन पर देखिए यहां पर kite.zerodha.com/chart/ext/TVC, TVC का मतलब हुआ ट्रेडिंग व्यू चार्ट। तो इससे हमें पता चल रहा है ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। अगर आपके में यहां पे CIQ, मैं रिपीट कर देता हूं CIQ, तो वो IQ का चार्ट है। देख लेते हैं एक बार चेंज करके, मैं क्या करूंगा इस TVC को चेंज कर दूंगा CIQ के साथ, CIQ, देखते हैं चार्ट में क्या डिफरेंस आता है। देखिए आप देखिए आपका चार्ट जो है, कुछ लोगों में शायद इस तरीके का चार्ट आता हो, तो इसमें क्या है, इसमें इंडिकेटर्स का अलग कुछ इंडिकेशन है, कैंडल्स का भी थोड़ा फर्क है, कलर वलर का चेंज है, बाकी यहां पर जैसे उसमें आपको दिखता था टाइम फ्रेम इस साइड में, इसमें आपको इस साइड में दिखता है। तो आप जिससे जिससे आपकी हैबिचुअल है आप उसको यूज करें। मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट जो जीरोधा बाय डिफॉल्ट देता है मैं उसी पे हमेशा एनालिसिस करता हूं, तो मैं उसी को चेंज कर, अगर आपके में ये आ रहा है आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली फिर से ऊपर यूआरएल में जाएंगे, अगर आपके में CIQ लिख के आ रहा है तो आप उसकी जगह क्या कर देंगे TVC, ट्रेडिंग व्यू चार्ट TVC। तो मैं किसको कर देता हूं TVC, और ये मैंने कर दिया इसको TVC। तो ये आ गया ट्रेडिंग व्यू का इंपोर्टेड चार्ट। तो ये चार्ट हमारे सामने आ गया, अब हम शुरू करते हैं अपना, ये बहुत बेसिक चीज थी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है तो मैंने सोचा आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों का चार्ट जो है कंफर्ट जोन में नहीं आता। अभी आप इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, बेसिक चीजें सीखना शुरू करेंगे। सबसे ऊपर क्या है हमारे पास, अच्छा मान लीजिए आपका लेफ्ट साइड में ये चार्ट, ये जो टूल्स हैं ये नहीं आ रहे हैं, सिंपल देखिए आप नीचे जो है यहां पे एक हाइड ड्राइंग टूल्स, ये एक एरो बटन है, वो एरो बटन आप क्लिक कर देंगे तो टूल्स चले जाएंगे, उसी एरो बटन पे यहां पे जो कॉर्नर में बिल्कुल नीचे इस पे क्लिक कर देंगे तो ये टूल्स आ जाएंगे। ये देखिए ये जो एक क्लाउड बना है ये क्लाउड ट्रेडिंग व्यू का सिंबल है, तो वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है इसलिए उन्होंने अपना लोगो दे रखा है। तो इस पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना कि अगर वो टूल बार हमारा नहीं आ रहा है तो हम इस एरो पे क्लिक करके टूल बार को ओपन कर लें लेफ्ट साइड में। अब चलते सबसे ऊपर, शुरू से शुरू करते हैं। यहां पर क्या है, ये तो ट्रेडिंग व्यू का लोगो है, इसको छोड़ते हैं। अगला है निफ्टी 50, ये बता रहा है कि किस चीज का आपने चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। निफ्टी 50 का हमने चार्ट ओपन करके रखा हुआ है तो निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने। अगली चीज है टाइम फ्रेम, ये 5M, M मतलब 5 मिनट्स, 5 मिनट्स की एक कैंडल है, 5 मिनट की एक कैंडल का ये चार्ट बना हुआ। अगर मैं चाहूं 1 मिनट की कैंडल देखना तो मैं यहां से क्लिक करके टाइम बदल सकता हूं, और 1 मिनट पर जैसे मैं क्लिक करूंगा देखिए चार्ट जो है अब एक कैंडल 1 मिनट की हो गई है।
तो आप यहां से जिस भी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना चाहते हो आप टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। आपको 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक का टाइम फ्रेम आपको यहां पे ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मैं 1 मंथ क्लिक करूं तो एक कैंडल हमारी 1 मंथ की बन जाएगी, कुछ इस तरीके से आपको चार्ट दिखेगा। ये 1 मंथ का हो गया, इसमें एक कैंडल 1 मंथ की हो चुकी है। तो मैं अब टाइम फ्रेम वापस 5 मिनट पे कर लेता हूं, क्योंकि मैं 5 मिनट पे ही एनालाइज करता हूं और आपको 5 मिनट पे ही चीजें बताता हूं। तो 5 मिनट में कर लेता हूं इसको, चार्ट को अपने हिसाब से। अब जैसे आप पहले एक बड़ा मंथ का इतना बड़ा प्राइस था पूरा इतना बड़ा, तो उसकी कैंडल इतनी बड़ी थी, अब मैंने उसको 5 मिनट कर दिया है तो डाटा बहुत छोटा हो गया, इसलिए कैंडल का आप साइज देख पा रहे हैं बहुत छोटा हो गया। इस कैंडल की लेंथ कैसे बढ़ा सकते, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसको दिखने का जो साइज है वो लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इसके लिए आप राइट साइड में जहां प्राइस दिया है इस पे आप कहीं भी माउस को क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और फिर इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। मैं एक बार और कर देता हूं, एक बार और कर देता हूं, और एक बार और कर देता हूं, इससे आपके कैंडल की लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई। अब इसको बड़ा करना चाहते हैं, वाइड करना चाहते हैं, तो सिंपल देखिए माउस लेकर आएंगे आप, ये देखिए नीचे यहां पे आपको जूम इन का ऑप्शन मिल रहा है। आप माउस नीचे लेके आएंगे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए कैंडल बड़ी हो जाएगी। लेंथ बढ़ानी है तो यहां से बढ़ा सकते हैं, साइज बढ़ाना है तो यहां से बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप चार्ट के कैंडल्स को मैनेज कर सकते हैं। ये बात हो गई कैंडल्स के साइज की, अब बात टाइम फ्रेम की बात हमने कर ली। नेक्स्ट चीज है कैंडल स्टिक चार्ट, नहीं हम कुछ और टाइप का चार्ट देखना चाहते हैं। कैंडल प्राइस के चार्ट बहुत सारे होते हैं, तो आपको टाइम फ्रेम के बगल में ही ऑप्शन है यहाँ पे कैंडल्स का। देखिए यहाँ पे कैंडल्स है, बार्स है और हॉलो कैंडल्स हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस ये हॉलो है अंदर से खाली है जो बुलिश है ट्रेंड्स। और यहाँ पे आपको हाइकेन नाशी, अगर आपने कोर्स लिया होगा उसमें हाइकेन नाशी की एक स्ट्रेटजी समझाई है और हाइकन नशी कैसे लगाते हैं, तो यहां से आप हाइकन नशी लगा सकते हैं। ये हाइकन नशी के कैंडल्स, तो सबसे बेस्ट जो है वो कैंडल्स ही है, तो इसलिए हम इसको कैंडल्स पे ही रखेंगे, इसको चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है, हम इसको कैंडल्स पे कन्वर्ट कर लेंगे। अगली चीज है जो इंपॉर्टेंट, जो मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। अगली चीज है इंडिकेटर्स, तो कोर्स में भी मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में, 5 जो सबसे बेस्ट इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में बताया है। अब वो इंडिकेटर कैसे लगाना है, आप सिंपल इस इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, जो इंडिकेटर आपको लगाना, मान लीजिए आपको RSI इंडिकेटर लगाना है, तो मैं सिंपल यहां सर्च करूंगा RSI, तो RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही पीछे आपका देखिए इंडेक्स, ये इंडिकेटर लग गया। जिन्होंने इंडिकेटर के बारे में कोर्स में पढ़ा है वो उनके वो इन चीजों को समझ गए होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप अगर कहीं भी स्टडी कर रहे हैं को कैसे इंडिकेटर लगाना है वो आप देख लीजिए। अब इस इंडिकेटर की सेटिंग आपको यहां से करने को मिल जाएगी, अगर आप इसमें कोई लेंथ चेंज करना चाहते हैं या बैंड चेंज करना चाहते हैं, अपर बैंड या लोअर बैंड, और कोर्स में तो मैंने अच्छे से समझाया ही है क्योंकि उसमें मैंने RSI इंडिकेटर को यूज करना कैसे है, क्या है, क्या स्ट्रेटजी वही बताई है, तो इसलिए उसमें क्या चेंजेस करने वो मैंने उसमें बताया। तो आप इंडिकेटर्स यहां से लगा सकते हैं, कोई भी इंडिकेटर आप जो लगाना चाहें, और वहां से सीधे इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे और आप सर्च कर लेंगे उसका नाम, उस पर क्लिक कर देंगे वो इंडिकेटर पीछे अप्लाई हो जाएगा। अब आ जाते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं जो है दो स्क्रीन देखना चाहता हूं, एक तरफ मैं निफ्टी 50 देखना चाहता हूं, एक तरफ निफ्टी बैंक देखना चाहता हूं, दोनों एक साथ, तो कोई बात नहीं। आपको यहां देखिए ऊपर जो है राइट साइड में एक सेलेक्ट लेआउट का बॉक्स दिख रहा है स्क्वायर कलर, इस पे आप क्लिक करेंगे आपको सारे फॉर्मेट देखिए यहां पे आप वर्टिकल दो कॉलम में स्क्रीन को डिवाइड करना चाहते हैं, तो सेकंड वन का मतलब है वन स्क्रीन, टू वाला नंबर है मतलब दो स्क्रीन में डिवाइड होगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे भी आप चाहें। तो मैं आपको वर्टिकल पे क्लिक करके दिखाता हूं क्या होगा, देखिए ये हो गया। अब इस स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, अगर मान लीजिए निफ्टी 50 का ही मुझे दो टाइम फ्रेम पे देखना है, एक स्क्रीन में 5 मिनट पे देखूंगा, एक स्क्रीन में 15 मिनट पे देखूंगा, तो मान लीजिए पहली स्क्रीन मुझे 5 मिनट पे देखनी है, तो यहां पे तो देखिए 5 मिनट लगा हुआ है, तो मैं अब दूसरी स्क्रीन पे क्लिक करूंगा, देखिए ये ब्लू कलर की बाउंड्री बन गई, तो मतलब दूसरी स्क्रीन हमारी सेलेक्ट हो गई। अब मैं क्या करूंगा, टाइम फ्रेम में जाके 15 मिनट कर दूंगा, ये देखिए ये आपकी दूसरे स्क्रीन में जो चार्ट है वो 15 मिनट का हो गया। इस तरीके से आप स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं, जितने पार्ट में चाहे उतने पार्ट में, अगर चार पार्ट में चाहे तो ये चार पार्ट में डिवाइड हो गया, और हर स्क्रीन में अलग अलग चीज आप लगा सकते हैं, अलग अलग चार्ट लगा सकते हैं। आप अगर इक्विटी में देख रहे हैं तो आप SBI जो भी शेयर्स देखना चाहते हैं वो सारे शेयर्स भी आप देख सकते हैं, अलग अलग चीजों में सारी चीजें एनालिसिस कर सकते हैं, इस तरीके से स्क्रीन स्प्लिट कर सकते हैं आप। अब
ये मैं इसको वापस एक स्क्रीन पे कर देता हूं, 5 मिनट का चार्ट हमारा लगा हुआ है। अब बात कर लेते हैं, ये ऊपर के जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, इंडिकेटर कैसे लगाना है, टाइम फ्रेम कैसे चेंज करना है, कैंडल्स को तो कैंडल्स ही रखना है, टाइप्स को और स्क्रीन कैसे स्प्लिट करना है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी आप क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए नीचे देखिए आपको टाइम दिख रहा है, तो टाइम आप देख ही रहे नीचे किस टाइम पे किस डेट पे क्या कैंडल बनी, वो आपको नीचे टाइम के हिसाब से दिख रहा है। साइड में आपको प्राइस का मूवमेंट दिख रहा है, ये प्राइस देखिए मूव हो रहा है ग्रीन कलर की उससे वर्टिकल लाइन से। अब बात कर लेते हैं टूल्स की, टूल्स को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्रॉस है। क्रॉस मतलब जो आप माउस इस पे होवर करते हैं तो ये जो आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है ये मतलब पॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए, अगर आप यहां पे लाते हैं तो आप किसी भी कैंडल पे माउस ले जाकर ऊपर आपको उनकी चीजें दिख जाएंगी। यहां पर क्या दिख जाएंगी, निफ्टी 50 5 मिनट का चार्ट है, इंडिसेस। अगर मान लीजिए मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, इस कैंडल जैसे आप इस कैंडल पे लेके जाएंगे तो इस कैंडल का ओपन प्राइस क्या था, वो ओ से दिख रहा है वहां पे 18,312.5। हाई क्या मारा है इस कैंडल ने, हाई क्या प्राइस दिया है, वो 18,321। लो प्राइस क्या है, 18,256। और क्लोजिंग प्राइस क्या है, 18,268। तो ये आप ऊपर सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं उस पर क्लिक करके, माउस ले जाएंगे आपको दिख जाएगा। अब बात कर लेते हैं टूल्स की, तो लेफ्ट साइड में आपके पास सबसे पहले टूल्स क्रॉस आपने देख लिया, बाकी आप ट्रेंड लाइन देखिए, इस पे जो आगे छोटा सा एरो है आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सारी वर्टिकल लाइंस ट्रेंड लाइंस बनाने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो मान लीजिए आप ट्रेंड लाइन पहले यूज करना चाहते हैं, तो यहां पे जैसे ही आप ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए आप यहां पर से लेके एक यहां तक एक डाउन ट्रेंड की लाइन बनाना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहां पर क्लिक करूंगा और उसके बाद जहां तक की लाइन बनानी है मैं वहां तक की लाइन पे क्लिक कर दूंगा तो वो लाइन मेरी ड्रॉ हो जाएगी। एक बार मैंने यहां पे क्लिक किया और एक बार मैंने यहां पर क्लिक किया, मेरी ट्रेंड लाइन बन गई। अब यही लाइन मान लीजिए आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, सिंपल इस पे जाके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इस लाइन को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल रिमूव पे जाके इसको क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं, सिंपल। नेक्स्ट मान लीजिए आप जो लेवल वाली लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे कहीं पे भी, जहां पे भी आप वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। मान लीजिए आप यहां पे क्लिक करना चाहते हैं, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक ड्रॉ हो जाएगी, इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, सिंपल है। ये अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मेन मेन चीजें जो आपको रेगुलर यूज में आने हैं वो चीजें मैं बता रहा हूं। बाकी आप अगर ब्रश यूज करना चाहते हैं कोई चीज मार्क करने के लिए, तो ये आपका ब्रश है, आप यहां पे ऐसे करके ब्रश यूज कर सकते हैं कोई भी पैटर्न को समझने के लिए, या फिर एम देखना है या डब्लू देखना है। जैसे यहां आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे एक एम पैटर्न दिखाई दे रहा है और एक और ट्रिपल टॉप पैटर्न, तो इन चीजों को समझने के लिए ये आप ब्रश का यूज कर सकते हैं। अगर आप कुछ चार्ट पर लिखना चाहते हैं तो सिंपल इस टेक्स्ट का आप यूज कर सकते हैं, ये टी जो आपको दिख रहा है आप जहां पे क्लिक करेंगे वहां पे लिख देगा। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपनी याद के लिए आप कुछ याद करना चाहते हैं कुछ भी, तो आप जो भी लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको डिलीट करने के लिए सिंपल सिलेक्ट करके आप डिलीट का बटन भी दबा सकते हैं, बाकी ऊपर आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। आप बात कर लेते हैं रूलर की, तो रूलर क्या है, मान लीजिए आप चेक करना चाहते हैं ये जो रूलर का सिंबल है इससे आप क्या यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप चेक करना चाहते हैं कि ये जो फॉल हुआ यहां से लेकर यहां तक वो कितने परसेंट के चेंज के साथ फॉल हुआ है, तो आप सिंपल यहां पर क्लिक करिए पहले और उसके बाद यहां पर क्लिक कर दीजिए, तो ये आपको दिखा रहा है -2.12% का डाउनफॉल हुआ है। तो ये रूलर का इस्तेमाल है, आप रूलर का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको टूल में कैसे यूज करना है वो जरूरी थी। अब मैं एक बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूं, उस चीज पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आपने कोई भी पैटर्न देखा है अगर मैं इस रेजिस्टेंस की बात करूं, मान लीजिए ये आपने एक रेजिस्टेंस का लेवल बना रखा था और रेजिस्टेंस के हिसाब से आपको पुट बाई करना था, तो मान पुट बाई करने का मतलब हुआ पोजीशन को शॉर्ट करना है, आप सेलिंग कर रहे हैं, पुट खरीद रहे हैं लेकिन प्राइस की सेलिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना था, आपको एक आप चाहते हैं पहले से सेट हो जाए कि मेरा ये स्टॉप लॉस रहेगा और ये मेरा टारगेट रहेगा, मेरा सेट हो जाए, मेरे को पता चल जाए। उसके लिए आपको इसमें ऑप्शन
दिया हुआ है। तो पहले मैं बाइंग के लिए एक बताता हूं, लॉन्ग पोजीशन के लिए। तो मान लीजिए आपका ये लेवल एक सपोर्ट लेवल था, यहां पर सपोर्ट लेवल था, तो यहां से आपको बनाना था कि मुझे अपना टारगेट यहां पे बनाना है। मान लीजिए यहां पे रेजिस्टेंस था, यहां पे मुझे एग्जिट कर लेना था, यहां से बाई करूंगा, यहां पे एग्जिट करूंगा। इसके लिए भी आपको यहां पे दिया हुआ है, जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है आप इसमें जाएंगे और ये देखिए लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मतलब कॉल, मतलब प्राइस ऊपर जब जाएगा तब बाइंग में हम लॉन्ग पोजीशन का टूल यूज करते हैं, और अगर प्राइस नीचे जाने का हमारा प्रेडिक्शन है तो फिर हम शॉर्ट यूज करते हैं। मैं दोनों यूज करके दिखा देता हूं। पहले लॉन्ग, तो लॉन्ग पे जैसे आप क्लिक करेंगे और यहां क्लिक कर देंगे, देखिए दो पार्ट इसमें दिख रहे हैं आपको, ऊपर ग्रीन जिसका लिखा है टारगेट, नीचे लिखा रेड जिसका लिखा है स्टॉप, तो मतलब ये स्टॉप, और बीच की जो लाइन है वो लाइन होगी जहां आप एंट्री लेंगे। तो मान लीजिए मैं एंट्री यहां पे ले रहा हूं कंफर्मेशन के बाद, नीचे इसका सपोर्ट ये है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका जो भी लोअर होगा ये आपका स्टॉप लॉस रहा, साफ साफ दिख रहा है मेरा स्टॉप लॉस ये है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने टारगेट बनाया इस लेवल का, तो आप इसको खींच के यहां तक सेट कर सकते हैं और ये आप अपने चार्ट में बना के रख सकते हैं, और जैसे ही आपका प्राइस यहां पहुंचे आप एग्जिट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस नीचे लगाए। जैसे ही अगर गलती से मार्केट रिवर्स कर जाता है, आपका प्रेडिक्शन गलत हो जाता है और मार्केट नीचे जाने लगे, तो जैसे ही आपके स्टॉप लॉस के मार्क पे आ जाए आप एग्जिट कर लेंगे। ये आप इस तरीके से इस टूल को यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एक बार इसका जस्ट अपोजिट जो शॉर्ट टूल है वो, इसी में मैं जाऊंगा, मैं चूज करूंगा शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन कब यूज करते हैं, जब हम रेजिस्टेंस से रेजिस्ट करके मान लीजिए सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग का मतलब है पुट बाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप यहां से रेजिस्ट कर रहा था, आपको कंफर्म था कि ये यहां से रेजिस्ट करेगा तो नीचे जाएगा मार्केट, तो आपने क्या किया, यहीं पे इस कैंडल पे बाई करेंगे, तो मैं इस कैंडल पे क्लिक कर दिया। अब देखिए क्योंकि आप जो है पुट ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस ऊपर होगा कि ऊपर ना जाना, ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए, तो मैं स्टॉप लॉस मान लीजिए इस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा 2 पॉइंट ऊपर रखना चाहता हूं, टारगेट अपना नीचे का इस लेवल तक रखना चाहता हूं, ये मैंने क्लिक कर लिया और मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सेट हो गया है ये रहा। तो अब प्राइस जैसे मैं इसको एक काम करता हूं नए उस पर दिखाता हूं, तो मान लीजिए अभी यहां पर प्राइस गिरता ही चला जा रहा है और मुझे लग रहा है कि यहां से गिरेगा, तो मैं शॉर्ट वाला ऑप्शन इस टूल पर जाके शॉर्ट वाला पोजिशन ले लिया, मैं एंट्री लूंगा यहां पर और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये, और मेरा टारगेट मान लीजिए रहता है यहां पर कहीं, ये टारगेट रहता है मेरा। तो जैसे ही आप इसमें बीच में जो है मार्केट मूव करती रहेगी मैं देखता रहूंगा, और जैसे ही मार्केट यहां पे आएगी मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है ऊपर को तो मैं ऊपर के प्राइस जैसे ही यहां पहुंचेगी तुरंत एग्जिट कर लूंगा। तो ये है बेनिफिट है, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो बाई किया उसका आप चाहते हैं कि मेरा जो 0.5% मेरा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये आप 0.5 सेलेक्ट कर लेंगे और आप अपना टारगेट चाहते हैं 1% 2% जितना भी आप चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे 180 यहाँ पे है, देखिए 180 पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओपन प्रॉफिट ऑन लॉस, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो सब कुछ आप इसमें चेक कर सकते हैं। बाकी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या है वो मैं बता देता हूं आपको एक बार, वो भी जरूरी चीज है। देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रेशियो आपने पढ़ा होगा, अगर मैं रिस्क और रिवॉर्ड की बात कर रहा हूं तो मैं आपको टेक्स्ट में समझाता हूं सॉरी, रिस्क इज टू रिवॉर्ड। मान लीजिए आप इस चीज की बात कर रहे हैं तो हमेशा आपने देखा होगा रिस्क इज टू रिवॉर्ड का मतलब होता है रेशियो क्या होता है अपॉन में होता है। तो मान लीजिए ये आपका रिस्क है और ये आपका रिवॉर्ड है, तो मतलब ये कहने का है कि जब भी आप किस मान लीजिए इस लेवल पे आप एंट्री ले रहे हैं तो आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं। अगर रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो 1:1 रखा तो मतलब अगर मेरा 1 रुपए का स्टॉप लॉस होगा तो मेरा टारगेट भी 1 रुपए का होगा, 1:1, ये भी 1 वो भी 1। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रखता हूं तो मतलब रिस्क 1 रिवॉर्ड 2, तो मतलब अगर मेरा रिस्क 1 रुपए का है तो मेरा रिवॉर्ड टारगेट मेरा कितने का होना चाहिए, 2 रुपए का होना चाहिए, ये 1 रुपए के बाद है। तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मान लीजिए अगर 10:1:2 के हिसाब से मान लीजिए अगर 10 रुपए का स्टॉप लॉस है तो टारगेट कितने का हुआ, 20 रुपए का। अगर स्टॉप लॉस 100 रुपए का है तो टारगेट कितने का हुआ, 200 रुपए का। अगर 5 रुपए का रिस्क है तो रिवॉर्ड कितने का होगा, 10 रुपए का, 1:2।
या ये अगर 1:3 कर देते हैं, तो अगर रिस्क आप स्टॉप जो स्टॉप लॉस है आप रिस्क जो ले रहे हैं वो 1 रुपए का ले रहे हैं, तो टारगेट आप 3 रुपए का बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से अपने एनालिसिस के हिसाब से टारगेट सेट कर सकते हैं कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए। तो आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। मिलता हूं मैं आपको आगे। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा कॉम्बो कोर्स है। कॉम्बो कोर्स में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शंस ट्रेडिंग पर है, व्हाट इज ऑप्शंस ट्रेडिंग विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ मैंने समझाया बहुत अच्छी तरीके से, एकदम हिंदी में कोर्स है, बहुत सरल भाषा में। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज होते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में, जैसे ITM, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, एक्सपायरी, स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ। हाउ टू मेक प्रॉफिट इन ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्रॉफिट एक्चुअली में कैसे होता है, बहुत सारे लोगों को यही आइडिया नहीं होता। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सब कुछ है, चार्ट्स को कैसे यूज करें, कैसे ट्रेंड लाइन बनाएं, कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं, टॉप 9 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो मैं आपको बात कर रहा था, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, उस तरीके के 9 पैटर्न्स हैं इसमें अलग अलग, 8 चार्ट पैटर्न्स हैं जैसे डबल टॉप हो गया, और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिनको हम देख कर आसानी से चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और सेफली ट्रेड कर सकते हैं। टॉप 5 इंडिकेटर्स के बारे में मैंने बताया है जो मोस्टली यूज होते हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। इंडिकेटर्स भी स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। और जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। बहुत सारे लोग अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, हार्ट को नहीं कंट्रोल कर पाते, दिल को नहीं कंट्रोल कर पाते और ट्रेड्स लेते रहते हैं। कोई प्रॉफिट हो गया है तो और प्रॉफिट करने के चक्कर में ट्रेड ले रहा है और लॉस कर रहा है। कुछ लोग जिनको लॉस हो गया वो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में लगातार ट्रेड पे ट्रेड करते चले जा रहे हैं, ओवर ट्रेड हो रही है। बहुत सारे लोग ओवर ट्रेड करते चले जाते हैं, 50 ट्रेड 100 ट्रेड करते हैं, उनको ब्रोकरेज के बारे में ही नहीं पता। अगर आप 50 ट्रेड करने के बाद 1000 रुपये का प्रॉफिट बुक भी कर लेंगे तो 50 रुपये का लगभग ब्रोकरेज ही हो जाता है, 2500 से 3000 रुपये। तो सारी चीजों को अगर आप चाहते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर के पे ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर भी एक वीडियो बना दूंगा। सबसे लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोर्स में वो है 4 सीक्रेट स्ट्रेटजीज है। सीधे मैंने स्ट्रेटजीज दे दी है जिन स्ट्रेटजीज पे मैं भी काम करता हूं और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने कोर्स लिया है उनको प्रॉफिट आप देख ही रहे हैं, वो लोग प्रॉफिट करते हैं। ये व्हाट्सएप का नंबर है, अगर कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस व्हाट्सएप पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ये हमारी वेबसाइट है और जो हमारा कोर्स है उसके लिए आप सीधे इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, optionsfortomorrow.com। मैं आपको वेबसाइट पर ले चलता हूं और दिखाता हूं आप कैसे कोर्स ले सकते हैं। तो ये मेरी वेबसाइट है optionsfortomorrow.com। आप इस वेबसाइट पर जाके सीधे आप कॉम्बो कोर्स पर जा सकते हैं, कोर्स 1 और कोर्स 2। कोर्स 1 में सारी बेसिक चीजें हैं, बहुत डिटेल में मैंने समझाया अच्छे से। कोर्स 2 में स्ट्रेटजीज है, दोनों को कंबाइन करके मैंने कॉम्बो कोर्स में कर दिया है। तो आप सीधे प्राइस देखिए सर, कुछ भी नहीं है, 2499 बिल्कुल। इसलिए मैंने बोला था कि ये मोस्ट अफोर्डेबल कॉम्बो कोर्स है ऑप्शन ट्रेडिंग का, 2499 सिर्फ प्राइस है। आप सीधे मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं कि कैसे आपको कोर्स के अंदर वीडियोस मिल जाएंगी। तो कुछ इस तरीके की वीडियोस आपको अंदर मिलेंगी कॉम्बो कोर्स में, लगभग पूरे 3 घंटे का पूरा एक कोर्स है, अच्छा डिटेल्ड कोर्स है, बहुत सारे लोगों को पसंद आया है, आप टेलीग्राम में देख सकते हैं, लोग मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजते रहते हैं बहुत सारे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पे। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं आप सिंपल ज्वाइन कॉम्बो कोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए और अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, पेमेंट के लिए प्रोसीड कर देंगे। पेमेंट के सारे ऑप्शन हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, व्हाट्सएप और UPI, UPI के ऑप्शन है, फोन पे, गूगल पे, जो भी आप चाहें जिससे भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आता है कोर्स डाउनलोड करने का तो आपको घबराना नहीं है, वैसे तो एक बॉक्स ओपन होगा जो सेव करने के लिए बोलेगा, कोर्स को डाउनलोड, कोर्स की एक जिप फाइल होगी जिसको डाउनलोड करने के लिए वो बोलेगा। तो पूरा कोर्स ये जो कॉम्बो कोर्स है वो 2.5 GB के आसपास है क्योंकि वीडियोज हैं और उसकी जिप फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। अगर वो डाउनलोड नहीं होती सिंपली आप ये सिंपल आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए मुझे, मैं आपको डायरेक्ट कोर्स डाउनलोड करने का लिंक दे दूंगा, नंबर यहाँ पर भी है, आप यहाँ से भी क्लिक करके व्हाट्सएप पर या फिर यहाँ पे से भी नंबर लेकर आप सीधे मैसेज कर सकते हैं। मैं कई बार लोगों को नंबर क्लियर नहीं होता, मैं बोल देता हूँ 7011292963, तो ये नंबर है, आप सीधे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा तुरंत, मैं आपको कोर्स डाउनलोड करने का लिंक दे दूंगा
और कोर्स का जो लिंक होगा वो एक जिप फाइल होगी। जिप फाइल के में क्या होता है कि सारी जो वीडियोस हैं उनको मैं जिप कर देता हूं, और जब उस जिप फाइल पूरी डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड करने से पहले आप अपने फोन में लैपटॉप में 2.5 GB का स्पेस चेक कर लें, और इंटरनेट का भी आप चेक कर लें अगर आप मोबाइल में डाउनलोड कर रहे हैं। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाए उसके बाद सिंपली फाइल मैनेजर में जाके, मोबाइल में फाइल मैनेजर में जाके डाउनलोड सेक्शन में उसी जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी मॉड्यूल वाइज। पूरे 12 मॉड्यूल हैं, 14 वीडियोस हैं, 14 वीडियोस हैं, 12 मॉड्यूल हैं। आप मॉड्यूल 1 से स्टडी करना शुरू कर सकते हैं। तो आई होप आप आज बहुत कुछ नया सीखे होंगे, कैसे इन चार्ट्स को हम यूज करते हैं और कैसे इन टूल्स का यूज करके हम कैसे अपने ट्रेडिंग सेटअप को अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं। बाकी जो लोग बिगनर हैं उनके लिए कॉम्बो कोर्स है ही, आप चाहें तो अभी वेबसाइट पर जाके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप तुरंत जाके उस कॉम्बो कोर्स को ले सकते हैं, उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, और उसको स्टडी करने के बाद बिना पैसे के कैसे हम ट्रेड करें, कैसे अपने नॉलेज को टेस्ट करें जो आपने सीखा है, उसके लिए पेपर ट्रेडिंग की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाउ टू डू पेपर ट्रेडिंग ऑन नोटबुक और एमएस एक्सेल, उस पे आप प्रैक्टिस करिए, चीजों को सीखिए, प्रॉफिट्स बनाते रहिए और खुश रहिए। मिलता हूं फिर से किसी एक नई वीडियो में। तो क्या नई वीडियो बनाना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस।